नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज़ाद सिंह चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपके सामने फिर से उपस्थित हूं व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 जून को जो हमने गुरु पूर्णिमा का एक पर्व मनाया, जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य के जीवन में गुरु का एक विशेष महत्व है। गुरु क्या करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है अपने शिष्य को, और वह क्या करता है, शिक्षा देता है, शिक्षा के साथ में ज्ञान भी देता है। ज्ञान का मतलब है कि मनुष्य के जीवन से लगा करके मृत्यु तक चलने वाली घटना, चलने वाला एक क्रम। तो केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, गुरु अपने शिष्य को ऐसा ज्ञान देता है जो उसके जीवन भर निरंतर काम आता रहता है। और जो ज्ञान देने वाला केवल गुरु शिक्षक ही नहीं होता, बल्कि उसके जो माता पिता हैं, उसके पड़ोसी हैं, उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट्स करने वाले जो लोग हैं, वो भी मनुष्य को एक सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से वो सभी हमारे शिक्षक हैं, वो हमें सिखा रहे हैं। उसके अलावा सबसे बड़ा जो गुरु हमारा है वो है प्रकृति। नेचर हमें क्या करता है, प्रकृति हमें क्या सीख देती है, संतुलन बनाने की। प्राकृतिक संतुलन हो, हमारा मानसिक संतुलन हो, या फिर शारीरिक संतुलन, बैलेंस होना चाहिए हमारे जीवन में। अगर वो नहीं होगा तो क्या हो सकता है, असंतुलित हो जाएगा सब कुछ, और एक भयावह परिणाम, भयंकर परिस्थितियां हमें देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि हम वर्तमान समय में COVID-19 या कोरोना वायरस के रूप में देख रहे हैं। तो इसलिए हमें एक संतुलित जीवन जीना चाहिए, और संतुलित जीवन जीने की आशा लेकर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। तो पद परिचय के टॉपिक को हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहली क्लास में हम समझेंगे कि पद क्या है, और दूसरे में उसका परिचय देंगे। ठीक है, परिचय करना समझेंगे। तो सबसे पहले है पद। पद क्या होता है, एक होता है शब्द। शब्द का मतलब है कि जो वर्णों को मिलाने से बनता है, 2 वर्ण या 10 वर्णों को मिलाने से, तो वो बन जाता है शब्द। जैसे मैंने लिखा राम, और उसके बाद भी मैंने लिखा राम जाता है, ठीक है, ऐसा मैंने लिखा, तो ये राम जो है ये एक पद बन गया है। क्यों बन गया है, क्योंकि जब किसी शब्द को किसी वाक्य में व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध करके जब किसी वाक्य में उसको प्रयुक्त किया जाता है, तो वही शब्द वो क्या बन जाता है, पद कहलाता है। ठीक है, दोनों सेम है, लेकिन जब उसको व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध करके लिंग वचन कारक काल की अशुद्धियों को दूर करके जब एक वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, तब वो क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। तो हम बात कर रहे हैं पद की। ठीक है, तो पद क्या हो गया कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द होता है जिसको व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे पद के प्रकार। तो पद जो हैं वो 2 प्रकार के हैं। पद 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर है विकारी, एक तो विकारी शब्द हो गया, और सेकंड नंबर होगा अविकारी, ठीक है, अविकारी। पहला विकारी है, दूसरा अविकारी है। अविकारी को हम अव्यय भी कह सकते हैं, ठीक है, इसके 2 नाम हैं, अविकारी और अव्यय। तो फर्स्ट नंबर है विकारी। विकारी क्या होता है, विकारी का मतलब है विकार हो जाना, परिवर्तन हो जाना, चेंज हो जाना। कैसे चेंज हो जाना, जैसे मैंने लिखा राम जाता है, ये लिखा मैंने, तो इस सेंटेंस को जब मैं लिखता हूँ राम की जगह मैंने लिखा सीता, जब यहाँ लिंग चेंज हो जाता है इसका कर्ता का, तो क्रिया का भी लिंग चेंज होगा, चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर मैंने लिखा वे, तो यहाँ पर हो जाएगा जाते हैं, ठीक है, वे जाते हैं।
अगर वचन चेंज हो रहा है कर्ता का, तो क्रिया भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो चेंज होते हैं, जो शब्द चेंज होते हैं, वो विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? ये चार प्रकार के हैं। पहला है, पहला हो गया संज्ञा, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, दूसरा है सर्वनाम, थर्ड नंबर है विशेषण, और फोर्थ नंबर है क्रिया, ठीक है। तो जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं। ये चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन कैसे नहीं होता, जैसे मैंने लिखा राम प्रतिदिन जाता है, राम प्रतिदिन जाता है, तो यहां पर मैं अगर सीता लिखूंगा तो भी प्रतिदिन लिख सकता हूं, और अगर मैं लिखूंगा वे जाते हैं तो भी प्रतिदिन लिख सकता हूं। ये जो प्रतिदिन शब्द है, डेली, ये जो शब्द है एक अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है लिंग, वचन, कारक और काल के कारण। तो इस प्रकार के शब्दों को हम अविकारी या अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब है जिसमें व्यय नहीं होता है, जिसका व्यय नहीं हो, खर्च नहीं हो, ठीक है। और विकारी, जिसमें विकार होता है, अविकारी मतलब जिसमें विकार नहीं होता है, ठीक है। तो जिसमें विकार नहीं होता है वो हो जाएगा अविकारी। और इसके भी मुख्य रूप से चार प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है, फिर हो जाएगा समुच्चय बोधक हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दूसरा समुच्चय बोधक, थर्ड नंबर है संबंध बोधक, और फोर्थ नंबर है हमारा विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। यहां पर बोधक शब्द की जगह है, बोधक ये जो लिखा मैंने, इन शब्दों की जगह हम क्या कर सकते हैं, द्योतक भी लिख सकते हैं, ठीक है, बोधक, द्योतक, या फिर अर्थक भी लिख सकते हैं, या फिर सूचक भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लिख सकते हैं, विस्मयादि सूचक, या विस्मयादि अर्थक, या विस्मयादि द्योतक भी लिखा जा सकता है, सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि विकारी शब्द के चार प्रकार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के भी चार प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। और जिन शब्दों के कारण चेंज हो रहा है वो भी चार हैं मुख्य रूप से। कैसे कि लिंग, वचन, कारक और काल, ये चार जो चीजें हैं वाक्य में, ये चार चीजें जो हैं, इन चारों के कारण परिवर्तन होता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, लिंग, वचन, कारक और काल, इन चारों के कारण, इन चारों में परिवर्तन होता है, और लिंग, वचन, कारक और काल, इन चारों के कारण, इन चारों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी चार हैं जिनके कारण इनमें परिवर्तन होता है, और ये चार हैं जिनके कारण इनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो ये तीनों क्या हैं, चार चार हैं काउंटिंग में। तो अब हम समझेंगे सबसे पहले संज्ञा को, हम डिटेल से बात करेंगे, सबसे पहले बात हम करेंगे संज्ञा की। तो संज्ञा क्या है, संज्ञा के लिए एक शब्द होता है नाम, ठीक है। संज्ञा का मतलब है नाम, नाम किसका, नाम होगा प्राणी, वस्तु, स्थान, प्राणी, वस्तु और स्थान, और गुण, भाव, दोष, गुण, भाव और दोष। तो ये छह चीजें जो हैं, इन चीजों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या ध्यान में हमको रखना है, यहां पर एक वस्तु का बोध होता है, एक सिंगल बोध होना चाहिए, चाहे वो वस्तु हो चाहे वो स्थान हो, एक होना चाहिए। एक मतलब कोई विशेष चीज का बोध होगा, विशेष विशेष वस्तु का बोध होगा, ठीक है। कैसे बोध होगा,
जैसे हम समझेंगे इसके प्रकारों के माध्यम से। पहला प्रकार है व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि इसके संज्ञा के तीन प्रकार हैं। पहला जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, व्यक्ति का बोध ही नहीं होता है, वस्तु का भी हो सकता है, स्थान का भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, एक व्यक्ति एक वस्तु एक स्थान, ठीक है। जहाँ पर एक व्यक्ति एक वस्तु एक स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर किसी का नाम आ जाएगा, जैसे जयपुर, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, राम श्याम, ठीक है। तो यहाँ नाम आ रहा है, पता चल रहा है, वो कौन हो सकता है, वो कोई पेड़ भी हो सकता है, पेड़, जैसे मैंने बोला नीम, तो नीम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर किसी का नाम आ रहा है, जैसे मैंने बोला दंत मंजन, तो दंत मंजन में अगर किसी कंपनी का नाम आ रहा है, कोलगेट या पेप्सोडेंट, तो उसका नाम जो आएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा, जाति का बोध होगा। जाति मतलब कास्ट नहीं है, जाति का मतलब एक ही प्रकार के गुण और विशेषताओं वाले लोग या वस्तु, ठीक है। एक ही प्रकार की विशेषता कैसे, जैसे हमने लिखा है कि यहाँ पर ये लिखा है दंत मंजन, अगर दंत मंजन बोला जाएगा तो वो जातिवाचक है, अगर मैं बोलूँगा पेप्सोडेंट या कोलगेट तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा पेड़ तो पेड़ क्या हो जाएगा, जातिवाचक। अगर मैं बोलूँगा नीम तो नीम हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कुत्ता, ठीक है, तो वो हो जाएगा जातिवाचक। कुत्ता का मतलब है कि पूरी जाति का बोध हो रहा है, कौन सा कुत्ता है ऐसी बात नहीं है। अगर मैं उस कुत्ते का नाम लिख दूँ टॉमी, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, किसी विशेष का बोध होता है, विशेष मतलब एक व्यक्ति है वैसा, एक ही है, और जातिवाचक में सामान्य का बोध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है भाववाचक। भाववाचक का मतलब होता है जिसमें भाव का पता चले, ठीक है। भाव का मतलब जहाँ पर उसका आकार नहीं हो, प्रकार नहीं हो, केवल भाव गुण और दोष का पता चले, भाव गुण और दोष, या हम कह सकते हैं अमूर्त, अमूर्त चीज़ें। अमूर्त का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं होता, जैसे कोई विचार है उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए वो किसमें आएंगे, भाववाचक में आएंगे। जैसे इसमें ईमानदारी, ईमानदारी क्या है, गुण है, ठीक है। तो इसमें क्या, ईमानदारी है, क्रोध है, सच्चाई है, तो वो सब किस में आ जाएगा, भाववाचक। तो संज्ञा के तीन रूप हैं, व्यक्तिवाचक जिसमें एक चीज़ का बोध होगा, जातिवाचक उससे पूरी जाति का बोध होगा, और भाववाचक मतलब उसमें अमूर्त चीज़ों का बोध होगा, भावों का, गुण का और दोष का बोध होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वनाम। दूसरा जो होता है वो होता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब है सबका नाम, ठीक है, सबका नाम, सबका नाम। और दूसरी बात यहाँ पर हम ध्यान में रखेंगे कि ये क्या करता है, सर्वनाम का, सर्वनाम की उपयोगिता क्या है। सर्वनाम का मतलब है ये संज्ञा के स्थान पे काम आएगा, संज्ञा के स्थान काम में आने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे, ठीक है। अब संज्ञा के स्थान पे काम में क्यों लिए जाते हैं, जैसे मैंने लिखा राम जा रहा है, राम जा रहा है, और मैं लिखूंगा राम अब नहीं आएगा, राम अब नहीं आएगा, ऐसा मैंने लिखा, तो इस सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि राम जा रहा है वह अब नहीं आएगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो सर्वनाम शब्द है, ठीक है, ये किसके लिए आया, ये राम के लिए ये वह शब्द आया, तो ये संज्ञा है, इसके लिए जो शब्द आएगा वो सर्वनाम कहलाएगा। क्यों आएगा, इसकी पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए, पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए,
यानी दोबारा उस नाम को ना कहना पड़े, थोड़ा ऑड ना लगे, अजीब ना लगे, इसलिए इन सर्वनाम शब्दों का हम काम में लेते हैं, इन सर्वनाम शब्दों को। ठीक है, इसके छह प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है, जिसमें कहने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य व्यक्ति का बोध होता है। इसमें तीन प्रकार आ जाएंगे, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं पुरुषवाचक में। ये कहने वाला, यानी कि मैं आ गया, मैं, हम दोनों, ठीक है, मध्यम का मतलब तुम दोनों आ गया, और अन्य का मतलब वह आ गया, यह वह जो आ गया। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये क्या कहलाएंगे, सर्वनाम कहलाएंगे। नेक्स्ट है पुरुषवाचक के बाद आ जाएगा निजवाचक। निजवाचक का मतलब है, निज का मतलब अपना, अपने का बोध कराए, निज का मतलब। इसमें शब्द कौन से आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा अपना, स्वयं, ठीक है, कर्ता अपने लिए जिन शब्दों को यूज करे, प्रयोग करे, वो कहलाएंगे निजवाचक। थर्ड नंबर हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक का मतलब हो गया कि निश्चितता का बोध हो जाए। निश्चितता का मतलब है, जैसे मैंने लिखा यह और वह, ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक। ठीक है, चौथा है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होगा, निश्चितता नहीं होगी। जैसे मैं बोलूँगा कि बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, या कुछ बाहर गिरा हुआ है, तो क्या होगा, अनिश्चितता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए अनिश्चयवाचक। और निश्चितता प्रकट हो जाए, जैसे मैंने बोला कि यह बाहर खड़ा था, कौन खड़ा था, यह खड़ा था, तो इसका मतलब हो जाएगा हमको पता लग गया है, निश्चितता हो गई है, तो वो निश्चयवाचक। ठीक है, उसके बाद में हो जाएगा संबंधवाचक। संबंधवाचक मतलब संबंध प्रकट करे, ठीक है, जो, जिसका, जिसने, ठीक है, तो इससे संबंध प्रकट हो रहा है, इस प्रकार के शब्द। तो ये शब्द हो जाएंगे संबंध वाचक सर्वनाम। और लास्ट हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसने, किसको, ये शब्द हो जाएंगे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के हमारे छह प्रकार हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसके बाद में हम बात करेंगे विशेषण की। तो विशेषण जो है, विशेषण का मीनिंग क्या है, विशेषण जो हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर। और विशेषण क्या करता है, विशेषता बताता है। विशेषण का मतलब विशेषता बताने वाले शब्द, किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा या फिर सर्वनाम, या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। कितने प्रकार हैं, मुख्य रूप से चार प्रकार हैं। पहला हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, फिर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, फिर उसके बाद हो जाएगा परिमाणवाचक, और फिर हो जाएगा संकेतवाचक। तो इस प्रकार से विशेषण चार प्रकार के होते हैं, और वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सबसे पहले है गुण। गुण का मतलब है गुण, रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, दिशा, अवस्था का बोध कराए। जैसे मैंने लिखा कि काला दरवाजा, ठीक है, तो ये दरवाजा जो है या गेट जो है वो कैसे रंग का है, काले रंग का है, उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार की बात हो तो ये जो शब्द कहलाएगा ये गुणवाचक विशेषण कहलाएगा, उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। और फिर लिखा संख्यावाचक। तो संख्यावाचक मैंने लिखा जैसे आदमी, कितने आदमी, 10 आदमी, मैंने लिखा 10 आदमी, तो ये 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, उसकी विशेषता बता दी। और ध्यान रखिए ये जो संख्यावाचक है इसके भी 2 भेद हैं, और ये परिमाणवाचक है इसके भी 2 भेद हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में जैसे मैंने लिखा मात्रा, परिमाण, माण का मतलब मात्रा या मापतोल, जैसे मैंने लिखा इसमें कोई यूनिट आ जाएगी, मापने की इकाई, जैसे मैंने लिखा 2 लीटर
दूध, ठीक है, यहाँ पे तो आ जाएगा दो और गिनती आ जाएगी, काउंटिंग आ जाएगी, तो वो संख्यावाचक है। और अगर उसमें ये मापने की इकाई भी जुड़ जाए, ठीक है, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलो, दर्जन, ये सब इकाई अगर जुड़ जाती हैं तो वो परिमाणवाचक कहलाता है, ठीक है। और इसके बाद में संकेतवाचक, या इसको इसका दूसरा नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक, सार्वनामिक कैसे, कि जो सर्वनाम शब्द हैं, जो सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे कहते हैं, जैसे मैंने लिखा इस पुस्तक को पढ़ो, इस पुस्तक को पढ़ो, ठीक है, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा इसको पढ़ो, इसको, तो ये सर्वनाम हो जाएगा, इसको, ये सर्वनाम है। अगर मैंने लिखा इस पुस्तक को पढ़ो, तो पुस्तक क्या है, संज्ञा, इस क्या है, सर्वनाम। लेकिन यहाँ ये जो शब्द है ये क्या कर रहा है, सर्वनाम नहीं है बल्कि इस पुस्तक की विशेषता बता रहा है। कौन सी पुस्तक, इस पुस्तक को, इस वाली पुस्तक को पढ़ो। तो ये जो सर्वनाम शब्द था यहाँ आकर एक विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए, क्योंकि ये सर्वनाम है, विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से विशेषण के चार प्रकार हो गए हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। चौथा हमारा जो प्रकार है विकारी शब्दों का, वो है क्रिया। क्रिया का मतलब है एक्शन, ठीक है, एक्ट होना, कोई काम होना, जिस शब्द से हमको कार्य के होने का पता चले या फिर किसी के द्वारा करने का पता चले, ठीक है। तो जहाँ पर कोई कार्य हो या कोई करे तो वो क्या कहलाएगा, क्रिया कहलाएगी। जैसे कि मैंने लिखा सूर्य उदय होता है, ठीक है, कौन कर रहा है क्रिया, अपने आप हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य है, ठीक है। तो सूर्य उदय हो रहा है, अपने आप कार्य हो रहा है, तो भी क्या कहा जाएगा, क्रिया कही जाएगी। तो चाहे कार्य कोई करे या दूसरे से करवाया जाए या फिर कार्य अपने आप हो, तो वो कहलाएगा क्रिया, ठीक है। मुख्य रूप से दो प्रकार हैं इसके, सबसे पहला हम देखेंगे सकर्मक क्रिया और नेक्स्ट हो जाएगा अकर्मक क्रिया। मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि से का मतलब होता है साथ में, जिसके साथ में कर्म हो, जिसके साथ में कर्म हो वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और जिसके साथ में कर्म नहीं हो, ए का मतलब नहीं हो, तो जिसके साथ में कर्म हो वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक। जैसा मैंने लिखा, मैं एग्जांपल लिखता हूँ, राम हंस रहा है, हंस रहा है, ठीक है, और मैंने लिखा, सॉरी, यहाँ मैंने लिखा राम हंस रहा है और यहाँ मैंने लिख दिया राम कपड़े धो रहा है, ठीक है, ये दो सेंटेंस मैंने लिखे। तो यहाँ पर ये हो गया कर्ता और धोना हो गया क्रिया, और क्या धो रहा है, कपड़े, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो जहाँ कर्म होता है तो इस ये धोना जो है ये क्या कहलाएगी, सकर्मक क्रिया। और मैंने लिखा राम हंस रहा है, राम क्या है, कर्ता, हंसना क्या है, क्रिया, तो यहाँ पर कोई कर्म नहीं है इसलिए ये क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया, हंसना एक अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात हमको ध्यान रखनी है, जहाँ क्या और किसको इन शब्दों का उत्तर निकल जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो सकर्मक क्रिया कहलाएगी। जहाँ पर क्या या किसको का उत्तर निकले वो सकर्मक क्रिया है, अगर इनका उत्तर नहीं निकले तो वो अकर्मक क्रिया है। कैसे, जैसे मैंने लिखा धो रहा है, तो क्या धो रहा है, कपड़े, उत्तर निकल गया इसलिए सकर्मक। मैंने लिखा हंस रहा है, क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है, तो यहाँ उत्तर नहीं निकल रहा है इसलिए अकर्मक क्रिया। इसलिए इसके मुख्य रूप से ये दो प्रकार हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं
अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द भी चार प्रकार हैं, ठीक है। अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे क्रिया विशेषण, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। विशेषण क्या करता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्या करता है? क्रिया की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, वह धीरे चलता है, धीरे चलता है, ठीक है। तो चलने का जो काम है वो कैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है। ये शब्द हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे वह कल आएगा, तो आने का काम कब होगा? इस ये जो क्रिया है वो कब होगी? कल होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है। इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या करता है? समुच्चय बोधक को इंग्लिश में हम कंजक्शन भी कह सकते हैं। कंजक्शन का मतलब है जोड़ने वाला, कंजक्शन। तो वो क्या करता है? जोड़ता है। किसको जोड़ता है? या तो एक शब्द को दूसरे शब्द से, ठीक है, शब्द को शब्द से जोड़ता है, या फिर वाक्य को वाक्य से जोड़ता है। दो काम कर सकता है, ठीक है। कैसे कर सकता है? जैसे मैंने लिखा सीता और गीता, दो शब्द लिखे सीता और गीता, तो इन दो शब्दों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो और कर रहा है। ये और शब्द क्या है? ये समुच्चय बोधक है, कंजक्शन है। इसी प्रकार मैं लिखता हूं कि वह, या ऐसा लिख दूंगा, राम जा रहा है लेकिन शाम नहीं जाएगा, शाम नहीं जाएगा। तो दो सेंटेंस है, राम जा रहा है एक सेंटेंस और शाम नहीं जाएगा दूसरा सेंटेंस। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक शब्द काम में लिया गया। इस शब्द को हम क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय का मतलब जोड़ने वाला, या तो शब्द को शब्द से जोड़ता है या वाक्य को वाक्य से जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। अब अविकारी शब्दों का तीसरा जो प्रकार है वो हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक क्या करता है? संबंध बताता है। संबंध कैसे बताता है? जैसे मैंने लिखा विद्यालय के सामने एक बगीचा है, विद्यालय के सामने बगीचा है। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं विद्यालय और एक है बगीचा, इन दोनों शब्दों को के बीच में एक संबंध बताने वाला जो शब्द है वो है के सामने। तो ये के सामने जो है ये संबंध बता रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है? संबंध बोधक संबंध बताता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा टेबल के ऊपर एक बिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों शब्दों के बीच, टेबल और बिल्ली, इन दोनों शब्दों के बीच में एक संबंध बताने का जो काम है वो ये शब्द कर रहा है। तो ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। और लास्ट हमारा जो है अविकारी शब्द का चौथा प्रकार, उसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक, इसको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या करता है? नाम से पता चल रहा है विस्मय आदि, विस्मय प्लस आदि से बना है विस्मयादि। तो यहां पर विस्मय क्या है? विस्मय एक भाव है, तो एक भाव ही नहीं है, इसके जैसे और भी बहुत सारे भाव हैं। जैसे हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, घृणा का मतलब है किसी से नफरत करना, और विस्मय, इस प्रकार के भाव, हर्ष, शोक, घृणा और विस्मय,
आदि भावों का बोध कराने वाले जो शब्द हैं उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने लिखा कि वाह मजा आ गया, ठीक है, तो ये जो शब्द लिखा मैंने वाह, ये क्या हो जाएगा, एक विस्मयादि बोधक अव्यय है। इस प्रकार मैंने लिखा खबरदार, ठीक है, खबरदार शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, ठीक है, खबरदार सावधान, ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे, विस्मयादि बोधक कहलाएंगे, जिनसे हर्ष शोक घृणा विस्मय आदि भावों का बोध होता है। और इसमें एक सीधी सी पहचान ये होगी कि इसमें विस्मयादि सूचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि पद कितने प्रकार के हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं, एक पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि इनका परिचय किस प्रकार से देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।